नमस्कार आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटका गवर्नमेंट से आ रही है आपको बता दें कर्नाटक के खटाखट पोल का खुलासा हुआ है जहां कर्नाटक कांग्रेस को बीजेपी एस टी विरोधी कह रही है बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कर्नाटक कांग्रेस ने यह तय किया है कि राज्य की पांच गारंटियों को पूरा करने के लिए एस सी फंड से कर्नाटक कांग्रेस सैतीस का यहां पर फंड निकालकर गारंटियों को पूरा करने में लगाएगी आपको चलिए मैं स्टार्ट से बताती हूँ आखिर कितना धन आवंटित किया जाता है राज्य कानून के अनुसार 24% का धन आवंटन आपको एसटीएससी के लिए करना पड़ेगा जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत और उसी योजनाओं में से जो एसटीएससी फंड है कर्नाटक कांग्रेस उसको भी छीन रही है और यही खबर कर्नाटक कांग्रेस की खटाखट पोल को खोल रही है यही खबर राहुल गांधी के तमाम गारंटियों को दर्शकों जो वो चुनाव से पहले देते नजर आते थे उसको खोल रही है और यही खबर कर्नाटक कांग्रेस नहीं पूरे कांग्रेस की पोल पट्टी खोलती नजर आ रही है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने साफ कह दिया कि जो कांग्रेस सरकार राष्ट्रपति जी जो यहां पर आदिवासी समाज से आती हैं उनको कह देती है उनको गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करती है तो क्या यह कर्नाटक कांग्रेस के लिए बड़ी बात है दर्शकों आपको बता दें सैतीस यानी राज्य के एस टी एस जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो धन आवंटित किया जा रहा है सैंतीस 100 कर्नाटका कांग्रेस उसमें से निकाल लेगी आपको मैं अमाउंट बताती हूँ अमाउंट में किस तरीके से किस तरीके से फेरबदल कर्नाटक कांग्रेस करने वाली है जहां कहा जा रहा है 49,121 करोड़ में से कर्नाटक कांग्रेस अपने गारंटियों को पूरा करने के लिए एस टी फंड का चौदह हजार सात सौ तीस करोड़ रुपए निकाल लेगी और कर्नाटक कांग्रेस करेगी जन गारंटियों इन, को दे दिया फ्री की रेवड़ी देकर एक कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर वोट बैंक की राजनीति के लिए और देखिए मिला भी विधानसभा में जबरदस्त कर्नाटक कांग्रेस ने यहां किया था और बता दें आपको सरकार बने इनके एक साल ठीक से नहीं हो रहे हैं और कर्नाटक कांग्रेस ने अपना ये रवैया दिखा दिया के लिए एस सी एस टी फंड का 37 परसेंट लूटने और डाइवर्ट करने की योजना बनाई है उनचालीस हजार एक सौ इक्कीस करोड़ में से चौदह हजार सात सौ तीस करोड़ रुपए छीने जाएंगे और इन गारंटियों को पूरा करने के लिए अभी कर्नाटक सरकार ने दूध पेट्रोल डीजल पानी की कीमतें बढ़ाई थी पहले भी एस टी फंड को डाइवर्ट किया था कांग्रेस सबसे बड़ी एस टी विरोधी पार्टी तो कर्नाटक कांग्रेस की खटाखट पोल को नजर आ रहे खोलते हुए शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बता दें आपको यहाँ सभी खबरों में यह हेडलाइंस बनी हुई है कि कही कहीं ना कहीं कर्नाटक कांग्रेस के पास फंड हो गया है खाली तिजोरी है खाली और यही वजह है कि कर्नाटक कांग्रेस अपनी तिजोरी को भरने के लिए आप जनता को तो भैया आपने बोल दिया कि हम आपको गारंटिया देंगे युवाओं के लिए पैसा देंगे महिलाओं को पैसा देंगे फ्री बस करेंगे अब देखिए ना बेंगलोर में अगर बातचीत की जाए सबसे ज्यादा पानी की दिक्कतें हैं बेंगलोर की आबादी और लगभग कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में कहा जाता है कि यहां वाटर टैंकर पर उनका जीवन बेस्ड है और उसी वाटर टैंकर की सरचार्जेस बढ़ा दिए गए दर्शकों कर्नाटक कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है पानी पर भी टैक्स लगा दिया पानी तो देखिए खाना तो छोड़िए सबसे पहले जीवन का बेसिक यहां पर मतलब पानी से होता है और बेसिक नीड्स है और सरचार्ज तो लगाया में गारंटियों को क्यों घोषित किया अगर कुछ नहीं था तो आपने जगह जगह जाकर जा जा गरीब जनता को बेवकूफ बनाने का काम क्यों किया जनता देखिए मासूम होती है जनता के पास राजाओं को चुनने का ऑप्शन होता है अगर जो भी राजा उनको एक गारंटी दे दे कि भैया हमको वोट दे दीजिए हम आपको ये फ्री कर देंगे तो जनता जाहिर सी बात है फ्री के चक्कर में पड़ जाती है और यही वजह की कहा जाता है कि कभी भी फ्री वाली सरकारों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए आपको मैं बता दूं जब से दरमैया प्रदर्शकों सवाल उठे तो देखिए क्या कह रहे हैं ऐसी बेतुकी दलील दे रहे हैं आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये कर्नाटक के सीएम है और मुख्यमंत्री है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है जो अभी यहाँ पर डी के शिव के पीछे षड्यंत्र रच रहे देखिए क्या मैं आपको पूरी खबर बताऊंगी और जब बीजेपी ने घेरा तो कहा जा रहा है कि इनके पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर लिया खटाखट खट, 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 राहुल गांधी यहां चुनाव के बाद इटली चले जाएंगे यहां पर बातचीत की जाए तो चौदह हजार करोड़ कर्नाटक कांग्रेस अगर एस टी एस सी फंड से निकाल लेगे तो क्या होगा आदिवासियों का आपने उनके फंड छीन रहे हैं आप यहां पर बीजेपी कह रही है बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक बड़ा उपाय करते क्योंकि उन्होंने संविधान को यहां पर किस तरीके से बता दे आपको उनके उनके बाद ही संविधान की घोषणा उनके बाद ही बाबा साहेब अंबेडकर को ही हम जानते हैं संविधान जनक के नाम से और यही वजह है कि संविधान का यहां पर दुरुपयोग करती नजर आ रही है कर्नाटक कांग्रेस आपको मैं बता दूं यहां पर क्या कहा जा रहा है सिद्धारमैया देखिए क्या दलील दे रहे हैं सिद्धारमैया कह रहे हैं योजनाओं के तहत एस टी एस की संख्या के आधार पर धन बंटवारा किया जाएगा क्यों ना राज्य सरकार तो हमने कर ही दिया क्यों ना केंद्र सरकार स्टी -स्टी के लिए कुछ उपाय लाती है केंद्र का एक ऐसा काम नहीं है जो आदिवासी विरोधी है अब देखिए केंद्र नहीं, आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को उस सिंहासन पर बिठा दिया जो कांग्रेस कभी नहीं बिठा पाती कांग्रेस पार्टी क्या दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी क्या विरोधी है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं देखिए सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया वही बीजेपी ने कहा है विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते हैं तो सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सबक सिखाते हैं भाजपा पर पलटवार करते हुए सिद्धारामैया कह रहे हैं उपयोजनाओं का पैसा अनुसूचित जाति जनजाति पर खर्च किया जाएगा क्या किसी भाजपा शासित राज्य में इस कानून को लागू किया गया है क्या केंद्र ने यह कानून बनाया है हमने पहले भी उस प्रावधान को खत्म कर दिया था जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए धन मुहैया कराया जाना माना जाता रहा है और कह रहे हैं कि आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं बीजेपी झूठ बोल रही है कर्नाटक बीजेपी झूठ बोल रही है और हमने जो फंड निकाला है उसको हम जनता को ही देंगे तो जनता को तो दे रहे लेकिन एक यहां पर आप समुदाय का पैसा छीन दूसरे को दे रहे हैं तो आपके पास अपना क्या हुआ आपके पास अपना तो कुछ नहीं है राज्य कानून कहता है सैतीस परसेंट आपको देना होगा कोटे से आदिवासी समाज को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आप क्यों निकाल रहे हो उसके फंड में से आप कहा जाना है कि दो बेटियां आप एक एक पेटी कर दूसरी पेटी में डाल दीजिए तो आपका आपने क्या दिया तो आपने तो कुछ नहीं दिया खटाखट कांग्रेस की पोल इसी वजह से खुलती नजर आ रही है और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किरकिरी इनकी कर्नाटक में हो रही है कर्नाटक में इन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया था फ्री फंड दे करके और यही वजह है कि आज घिरती नजर आ रही है अब सिद्धाराम कह रहे हैं केंद्र पैसा नहीं दे रही है हम बातें कह रही हैं और कह रहे हैं कि हम केंद्र से इसी तरह का कानून लागू करने का आग्रह करते हैं पहले भी आपने देखा दूध का दाम इसके साथ पेट्रोल डीजल वाटर क्या बचा बचा। पर? वहाँ तो कुछ नहीं बचा। आपके पास अब दाम बढ़ाने के लिए कुछ नहीं रह गया है तो आदिवासी कोटे से आप फंड निकाल रहे हैं मतलब गजब कर दिया कर्नाटक कांग्रेस ने आपको मैंने पूरी खबर बारीकी से बताई है अब आप तय कीजिए क्या वाकई कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है एस विरोधी है कॉमेंट कीजिएगा प्लीज बहुत शुक्रिया